नमस्कार स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है शेप ऑफ ऑर्बिटल, साइज ऑफ ऑर्बिटल, नंबर ऑफ नोड, नंबर ऑफ पीक, नेक्स्ट टू क्वांटम नंबर। ऑलरेडी वी हैव डिस्कस क्वांटम नंबर एन, एल, एम एंड एस, स्पिन क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, एजीमथल क्वांटम नंबर एंड एन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। सेल, सेल के अंदर सब सेल, सब सेल के अंदर जस्ट जैसे आप इसको कंपेरिजन करो कि एक एटम है, जैसे एक स्कूल है, स्कूल में क्या होते हैं स्टूडेंट्स, ऐसे एटम में क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन्स। अलग अलग एटम है, अलग अलग स्कूल है, किसी स्कूल में कितने बच्चे हैं, किसी स्कूल में कितने, ऐसे किसी एटम में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन अलग है, दूसरे में अलग है, तीसरे में अलग है। फिर सभी स्टूडेंट्स को हमने क्या कर रखा है, नॉलेज के हिसाब से या उनकी एज के हिसाब से हमने क्लास में बांट रखा है। ऐसे यहाँ सभी बच्चों को हमने क्या कर रखा है, सभी इलेक्ट्रॉन्स को हमने क्या कर रखा है, अलग अलग सेल में बांट रखा है। जैसे क्लास को फिर अलग अलग सेक्शन में बांट रखा है, ऐसे यहाँ पे सेल को फिर किस में बांट रखा है, सब सेल में बांट रखा है। फिर जैसे सेक्शन में भी अलग अलग रो है, किसी क्लासरूम में 3 रो है, किसी में 4 रो है, किसी में 2 रो है, पंक्ति रो, ऐसे ही जो सब सेल है वो किस में बटी हुई है, ऑर्बिटल्स में, और रो में भी फिर अलग अलग टेबल है। ऐसे वहां पे ऑर्बिटल के अंदर भी फिर क्या है, 2 इलेक्ट्रॉन है एक ऑर्बिटल में, उनकी भी स्पिन अपोजिट है, और हाउ दैट इलेक्ट्रॉन्स आर डिस्ट्रीब्यूट इसके रिगार्डिंग हम बाद में करेंगे। पहले अभी हम करेंगे शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। देखिए जो ऑर्बिटल की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल की जो कैलकुलेशन हम कर रहे हैं वो हम कैलकुलेशन कर रहे हैं साइज। वी यूज द क्वांटम नंबर एंड सोल्व द स्क्रोडिंगर इक्वेशन, एंड आफ्टर सोल्विंग दैट स्क्रोडिंगर इक्वेशन वी फाइंड द साइज एंड देन वी कैलकुलेट द साइज स्क्वेयर, एंड वेयर द साइज स्क्वेयर इज मैक्सिमम इज द ऑर्बिटल। ऑर्बिटल तो जो साई होता है, वेव फंक्शन हम इसको कहें, हालांकि फिजिकल सिग्निफिकेंस नहीं है इसका। इसके जो वेव फंक्शन होता है इसके दो पार्ट है, इसके दो पार्ट है, एक इसका जो पार्ट है एंगुलर पार्ट है और एक इसका रेडियल पार्ट है, रेडियल पार्ट, और दूसरा है एंगुलर पार्ट जो कि एंगल थीटा और एंगल फाइ पे डिपेंड करता है, दोनों पार्ट है। इसका जो रेडियल पार्ट है, रेडियल पार्ट डिपेंड करता है, इट डिपेंड ऑन द वैल्यू ऑफ एन एंड एल एंड इट डिसाइड द साइज, साइज डिसाइड करेगा। और जो उसका एंगुलर पार्ट है ये डिपेंड करता है वैल्यू ऑफ एल एंड एम, एल जो एंगुलर क्वांटम नंबर है, एम जो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर है, और ये डिसाइड करता है ओरिएंटेशन, और वी कैन से शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड साइज ऑफ ऑर्बिटल। ये जो एंगुलर, कुल मिला के कोई भी एक ऑर्बिटल है उसमें जो 4 क्वांटम नंबर का अगर हम यूज करें तो जो वैल्यू ऑफ एन और एल डिसाइड द साइज, एंड द वैल्यू ऑफ एल एंड एम डिसाइड द शेप। इस बात का मतलब ये हुआ शेप डिसाइड होने में एन का कोई रोल नहीं है, एन का कोई रोल नहीं है, और साइज को डिसाइड करने में एम का कोई रोल नहीं है। एन का रोल का मतलब जैसे 2s है, 3s, 4s, तीनों में एन की वैल्यू अलग है, एन अलग है लेकिन एल की वैल्यू 0, 0, 0, तो एल की वैल्यू तीनों की सेम है। दिस मीन्स तीनों की सेप एक जैसी होगी, तीनों की सेप एक जैसी होगी।
क्योंकि एन अलग है और एन में शेप का कोई रोल नहीं है। तो शेप और साइज, साइज की बात है तो हम करें ट्रायल और एरर दोनों पे डिपेंड करेगी। एक एक करके हम उसका डिस्कशन करेंगे और प्रोबेबिलिटी की बात करेंगे। एन जो प्रोबेबिलिटी है से वैल्यू ऑफ एल, मिनिमम वैल्यू जो एल होगी वो क्या होगी, जीरो। इफ एल इज जीरो means S subset, S subset, और S subset means it is value of M is also zero, M भी फिर zero है। If L is zero, then M is minus L2 plus L including zero, so M is zero. Zero means how many number of values, one value, which one, zero, means have only one possible orientation, possible orientation, possible orientation of the orbital, एक orbital है सिर्फ। इसका मतलब s subset किसी का भी हो, either it is 1s, 2s, 3s, 4s, s subset किसी का भी होगा उसमें सिर्फ एक orbital होगा और उसका नाम क्या होगा, S, उसका नाम भी S ऑर्बिटल। S सबसेल है, ऑर्बिटल भी हम उसको S ही कहते हैं। और यहां पे जो उसका जो रेडियल पार्ट है, जो साई का रेडियल पार्ट है, ये ना तो एंगल थीटा पे डिपेंड करता है और ना एंगल फाई पे डिपेंड करता है। इसका मतलब यहां पे अगर हम इलेक्ट्रॉन का डिस्ट्रीब्यूशन देखें अराउंड द न्यूक्लियस, द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस नॉट डिपेंड ऑन एनी एंगल, किसी भी एंगल पे भी डिपेंड नहीं करता। दिस मीन्स इट इज, इट हैव स्फेरिकल इमिसिविटी, स्फेरिकल शेप। इसका मतलब शेप कैसी है, स्फेरिकल शेप। तो द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल। से हम दो तरह से लेते हैं, एक हम इलेक्ट्रॉन डॉट, हम डॉटेड बाउंड्री, डॉटेड से हम ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, दूसरा हम लेते हैं बाउंड्री, बाउंड्री ले लेते हैं, सरफेस बाउंड्री हम उसको कहते हैं। अगर हम बात करें सिर्फ डॉटेड की, डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन से रिलेटेड, इलेक्ट्रॉन क्लाउड की बात हम करें, तो एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नेवर बी जीरो, जीरो तो कभी होगी नहीं। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी, जीरो नहीं होगी। तो फिर हम इसको बाउंड्री कहां तक दें, कहां तक हम इसको माने, तो हम ये ले लेते हैं कि भाई मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी का जो है, यानी कि 90%, मोर देन 90-95%, तो हम एक पर्टिकुलर बाउंड्री लगा देते हैं कि टोटल जो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है उसकी 95% 99% प्रोबेबिलिटी यहां तक है, वहां तक हम इसको क्या कर देते हैं, एक बाउंड्री दे देते हैं। तो वो आ जाता है सरफेस बाउंड्री। एक्चुअल में ये भी एक बड़ा अजीब सा क्वेश्चन है साइंस में आज भी, कि एटम जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल हम मान के चल रहे हैं, किसी भी मॉलिक्यूल का कंपाउंड का स्मॉलेस्ट यूनिट मान के चल रहे हैं, उसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं है। तो जो ये यूनिट है उसकी एक फिक्स बाउंड्री नहीं है, फिर एग्रीगेट्स ऑफ यूनिट्स, यानी कि एटम से मिलके एलिमेंट बन गया, कंपाउंड मिक्सचर बन गया, हाउ दे हैव ए डेफिनेट बाउंड्री, उनकी एक बाउंड्री बन जाती है, भाई ये एटम है, ये मॉलिक्यूल्स है, या ये मिक्सचर है आपका, हर मैटर की एक स्पेसिफिक रेंज में आ जाता है, एटम की कोई रेंज एक नहीं है। तो हम यहाँ पे एक सरफेस, यानी कि एक बाउंड्री हम ले रहे हैं कि यहां तक मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी है। तो दिस इज द शेप ऑफ 1s ऑर्बिटल। शेप ऑफ 2s ऑर्बिटल इज आल्सो सेम। इफ वी टेक 2s आइदर 3s, क्या डिफरेंस आएगा, से दिस इज 1s, देन दिस इज 2s, 1s इज आल्सो स्फेरिकल, 2s इज आल्सो स्फेरिकल इन शेप। Means either you move
इन एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, एंगल का कोई रोल नहीं है एस सब सेल में, एस ऑर्बिटल में एंगल का कोई रोल नहीं है। न्यूक्लियस से किसी भी पर्टिकुलर एंगल पे आप जाओगे, एक रेडियस का रोल है, पर्टिकुलर एक रेडियस के ऊपर मैक्सिमम मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी की अगर आप बात करो तो प्रोबेबिलिटी तो यहां से लेकर यहां तक है, जहां तक आपने बाउंड्री दे दी तो इलेक्ट्रॉन यहां से मिलने शुरू हो गए, यहां तक 99% प्रोबेबिलिटी है। तो ये जो रीजन है, ये रीजन क्या हो गया, ये रीजन, और ये रीजन जो हो गया, ये रीजन आपका ऑर्बिटल हो गया। लेकिन इसमें भी मैक्सिमम कहां है, वो फिर जो नील बोर ने दिया था वो बन जाता है ऑर्बिट, यानी कि इसमें भी मैक्सिमम एक पर्टिकुलर जहां पे सबसे ज्यादा है पीक जिसको हम कहेंगे, वो एक अलग डिस्टेंस पे आएगा, लेकिन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होती जा रही है, जैसे जैसे हम आगे जाएंगे नेवर बिकम जीरो बट इनफाइनाइट इट बिकम नियरली जीरो। तो ऐसे में क्या हो रहा है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नियर द न्यूक्लियस मैक्सिमम है, फिर एक ऐसा बीच में स्पेस आता है जहां पर प्रोबेबिलिटी कम होगी, जीरो होगी, नियरली जीरो होगी, और फिर प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, ये 2s, ऐसे हम 3s और 4s, तो आइदर इट इज टेकन एज 1s और 2s और 3s, द शेप इज स्फेरिकल। एक पॉइंट हम यहां पे कहेंगे कि द s ऑर्बिटल हैव स्फेरिकल इन शेप, एंड सेकंड s ऑर्बिटल नॉट हैव एनी प्लेन, कोई भी एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन नहीं है, आप चाहे इधर से लें या इधर से लें इधर से लें, जिसमें इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो हो। 1s में अगर हम 1s की अगर हम बात करेंगे तो जो साइन है, जो वेव का, जैसे वेव लेते हैं ना, ये s पॉजिटिव नेगेटिव, दिस पॉजिटिव नेगेटिव इज नॉट चार्ज, दिस इज ओनली द साइन ऑफ वेव। तो s ऑर्बिटल में सारे में पॉजिटिव वेव है, वेव भी है पॉजिटिव, चार्ज से रिलेशन नहीं है इसका। लेकिन 2s में अगर हम बात करें तो जस्ट न्यूक्लियस पे के पास वेव पॉजिटिव है, और फिर बीच में एक ऐसा स्पेस आता है जहां पर इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी नियरली जीरो है, फिर यहां वेव का साइन चेंज हो जाता है नेगेटिव, इसका मतलब जैसे ये हो गया, ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। और अगर हम यहां पे ये बात सोचें कि भाई ये बीच में क्या गया जहां पर इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो है, जिसको बोले नोड, नोड या नोडल प्लेन, एक ऐसा मतलब सर्कुलर ही है, चारों तरफ ही है ये भी, तो इसमें अगर हम देखें तो इफ वी कंसीडर कि भाई ऐसे कैसे हो सकता है कि इलेक्ट्रॉन की एक वेव आ रही है और फिर वो ऐसी किस जगह से वो आगे पास हो जाएगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बीच में जीरो हो, तो वो हम ऐसा अगर हम सोच रहे हैं तो हम इलेक्ट्रॉन का पार्टिकल नेचर कंसिडर कर रहे हैं, हम ये मान रहे हैं कि एक पार्टिकल मूव कर रहा है। एक इस पॉइंट की मैं बात कर लेता हूं, एक पार्टिकल आया इधर से और यहां आया, फिर नीचे वो वेव उसकी बदल गई। अगर सिर्फ आप पार्टिकल की सोचोगे तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो पार्टिकल एक किसी पॉइंट से गुजर जाए, तो जिस भी पॉइंट से वो गुजर है वहां पर फाइंडिंग प्रोबेबिलिटी जीरो तो हुई नहीं, क्योंकि अगर ये इलेक्ट्रॉन है और ये यहाँ ये ऐसे आया है, ये आया है यहाँ पे भी अगर आया है और यहाँ पे आए भी ना, वो नीचे आ नहीं सकता। तो इसका मतलब ये हुआ, अगर ऐसा हम सोचते हैं तो सिर्फ वेव कंसीडर कर रहे हैं, हम कह रहे हैं कि जब इलेक्ट्रॉन की वेव चेंज होती है ऐसे, तो यहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है। वेव कंसीडर करके अगर आप सोचोगे तो वो जीरो हो सकता है, पार्टिकल कंसीडर करके अगर आप सोचोगे तो वो जीरो हो ही नहीं सकता, क्योंकि पार्टिकल जब उधर से जा रहा है तो पार्टिकल तो है फिर यहां पर, पार्टिकल की प्रोबेबिलिटी तो होगी, लेकिन वेव कंसीडर करिए आप, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर पार्टिकल नेचर दोनों होते हैं, तो आप उसको वेव कंसीडर करिए। जब वेव आप कंसीडर करोगे तो आपको पता चलेगा कि वेव में एम्पलीट्यूड, क्योंकि हम बात कर रहे हैं साई की, जो एम्पलीट्यूड है मान लीजिए आप वेव का एम्पलीट्यूड है, और साई स्क्वायर की, जब साई जीरो है तो स्क्वायर भी फिर जीरो होगा, तो जहां पे एम्पलीट्यूड जीरो हो जाता है वहां पे इलेक्ट्रॉन की प्रोबेबिलिटी जीरो हो गई, तो उसको हम नोड बोल रहे हैं, नोडल प्लेन नोड। तो दिस इज द शेप ऑफ एस ऑर्बिटल, एस ऑर्बिटल की शेप का मतलब हुआ शेप ऑफ एस ऑर्बिटल इज स्फेरिकल, और कोई ऐसा एक्सिस नहीं होगा, एक्सिस की बात मैं कर रहा हूं, एक्सिस नहीं होगा जहां से इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी बिल्कुल जीरो, क्योंकि स्फेरिकल शेप है, चारों तरफ इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी है। देन कम टू इफ एल इज वन,
एल अगर वन है, एल वन मीन्स पी सब सेल, पी सब सेल, पी सब सेल अगर है तो एम की वैल्यू क्या होगी? इफ एल इज वन देन द वैल्यू ऑफ एल इज माइनस वन जीरो प्लस वन. दिस मीन्स थ्री पॉसिबल ओरिएंटेशन. तीन पॉसिबल ओरिएंटेशन है अराउंड द न्यूक्लियस. तीन अलग अलग जो है उनका नाम हमने लिख दिया, पी एक्स, पी वाई और पी जेड. एक्स वाई और जेड तीनों तीन अलग अलग एक्सिस है. वैसे तो तीनों इक्विवेलेंट है, एक एक्स एक वाई एक जेड है, तीनों एक दूसरे के इक्विवेलेंट है, लेकिन हमने कंसिडर कर लिया कि भाई इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है उसको हम क्या मानेंगे, जेड. और ये वाला हमने जेड ले लिया. तो जेड के लिए एन की वैल्यू होगी जीरो और इनके लिए प्लस माइनस वन. पी एक्स और पी वाई दोनों जेड के परपेंडिकुलर है. यहां पे अगर हम बात करते हैं तो इसका जो रेडियल पार्ट है साई का, क्योंकि हम सेप की बात कर रहे हैं और सेप को डिसाइड कर रहा है, सेप रेडियल पार्ट डिसाइड कर रहा है, तो रेडियल पार्ट की अगर हम यहां पे बात करें तो इट डिपेंड ऑन एंगल थीटा. थीटा एंगल पे डिपेंड करता है. और थीटा में अगर आप इसमें जाओगे मैथमेटिक्स में, तो हम जब इसकी इक्वेशन को सोल्व करें और वो थीटा की वैल्यू अलग अलग हम देखें, तो उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो से लेकर 360 तक साइन थीटा हम इसको कैलकुलेशन में मान के चलेंगे, वो सॉल्यूशन अलग हो जाएगा. अभी हम ये माने कि पी जो ऑर्बिटल है इट डिपेंड ऑन एंगल. इट इज नॉट लाइक एस ऑर्बिटल विच इज स्फेरिकल इन शेप. पी में एंगल का रोल है, एक्स एक्सिस में, वाई एक्सिस में, जेड एक्सिस में, अलग अलग एक्सिस में, और बिटवीन द एक्सिस की डेंसिटी नहीं है और ऑन द एक्सिस इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है. अगर हम कोई एक की बात कर लें किसी भी एक की, क्योंकि तीनों की शेप एक ही जैसी है, तो इट गिव ए डंबल शेप, से दिस इज एक्स एक्सिस और वाई और जेड कोई भी आप ले लीजिए, तो दिस इज द शेप ऑफ पी ऑर्बिटल. टू लोब, दिस इज द शेप ऑफ, से इट इज एक्स एंड से इट इज वाई, दिस इज से वाई एक्सिस एंड दिस इज से जेड एक्सिस. जेड दिस विल बी द शेप ऑफ पी एक्स, पी वाई और पी जेड. तीनों की एक ही जैसी शेप है, जस्ट एक्सिस का डिफरेंस है. दिस मीन्स हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्स एक्सिस, हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द वाई एक्सिस, हियर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द जेड एक्सिस. दिस इज द शेप ऑफ 2p ऑर्बिटल. 3p की शेप ऐसी होगी, साइज बड़ा होगा, जैसे 1s और 2s में डिफरेंस. This will be the shape of 1s and this will be the shape of 2s. 1s and 2s. एक और बात देखिए, इसमें कोई ऐसा एक्सिस नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है. कोई ऐसा हाइपोथेटिकल एक्सिस आप पास नहीं कर सकते. जैसे फुटबॉल की तरह से ले लो, अब फुटबॉल में आप कहीं से भी चले जाइए, वो उसका जो पार्ट है फुटबॉल का वो आएगा स्फेरिकल बॉल की तरह से. लेकिन यहां पे देखिए, दिस इज एक्स एक्सिस, तो ये अगर आप देखोगे ये से दिस इज जेड एंड वाई, तो वाई और जेड में एक ऐसा प्लेन है, यानी कि पी की शेप डब्लू जैसी है. डब्लू होता है ना, बीच में से पकड़ता है और ऊपर और नीचे उसके डंबल टाइप का होता है, या जो डंबल शेप हम बोल रहे हैं एक्सरसाइज करने के जो डंबल होते हैं उस तरह की शेप इसकी है. तो डंबल में जहां से हमने पकड़ रखा है उसको, उससे ऊपर एक लोब है और एक लोब उस पर नीचे है, और जहां से हमने डंबल को पकड़ रखा है वहां पे अगर हम ऐसा एक प्लेन लगा दें कि डंबल की एक लोब तो ऊपर है एक नीचे है, तो बीच में एक वो ऐसा प्लेन हो गया जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है. इस तरह का नोडल प्लेन यहां नहीं था. इनको हम बोलते हैं प्लेनर नोड बोलेंगे. अलग अलग दो तरह के नोड होंगे, एक है रेडियल नोड
रेडियल रोड है और एक प्लेनर रोड है। पहली बात नोड क्या है, नोड इज दैट रीजन दैट पॉइंट वेयर द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज जीरो और नियरली जीरो, यानी इट इज जस्ट रिवर्स देन ऑर्बिटल। ऑर्बिटल वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है और नोड वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मिनिमम है। एक होता है रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब तो ये होगा दो ऑर्बिटल के बीच में, दो ऑर्बिटल के बीच में एक ऐसा स्पेस आ गया जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जीरो है और वो न्यूक्लियस के चारों तरफ है। और एक है प्लेनर नोड, नोडल प्लेन भी बोल देते हैं उसको, इसको हम स्फेरिकल नोड भी बोल देते हैं, रेडियल नोड या स्फेरिकल नोड, प्लेनर नोड, नोडल प्लेन। ये एक ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन है, इफ वी पास दैट प्लेन थ्रू दैट ऑर्बिटल देन द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिकम जीरो। जैसे अभी हम बात कर रहे हैं फुटबॉल, फुटबॉल में आप कहीं से भी पास हो, ये सेंटर से पास होना चाहिए न्यूक्लियस से, तो कहीं से भी आप सेंटर से पास हो गए तो कोई ऐसा जगह नहीं आएगा जहां पर डेंसिटी इलेक्ट्रॉन की जीरो हो जाए। लेकिन अगर आप बात करोगे प्लेनर नोड की, इसमें पी में डंबल की जो बात कर रहे थे, वहां पे बीच से हम ऐसा एक प्लेन ले सकते हैं, जैसे अगर हम 1s की बात करें, कोई रेडियल नोड नहीं है, कोई भी रेडियल नोड नहीं है। यहां पे बात करें तो एक नोड, एक इसमें ये रेडियल नोड है, रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब यहां ये बीच में, दोनों के बीच में ये, तो जीरो रेडियल नोड। वन 3s में हो जाएगी 2। लेकिन अगर हम बात करें प्लेनर नोड की, तो प्लेनर नोड यहां एक भी नहीं है, यहां भी एक भी नहीं है। ऐसा कोई हाइपोथेटिकल प्लेन आप पास नहीं कर सकते हो जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी जीरो है। तो ऐसे सबसेल में प्लेनर नोड जीरो होती है और रेडियल नोड n माइनस 1 होती है। एन की वैल्यू 1, 1 माइनस 1 0, 2 माइनस 1 1, 3s में हो जाएगी 2। पी की अगर हम बात करें, दिस इज 2p, प्लेनर नोड एक होगी, प्लेनर नोड यहां पे n माइनस 1 होगी, दिस इज द प्लेन। कहां होगी यहां पे, px है नहीं, px है तो yz प्लेन एक ऐसा प्लेन है, y और z में आप वो प्लेन ले लीजिए, x में तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, y और z में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, सो दिस बिकम प्लेनर नोड। रेडियल नोड यहां एक भी नहीं है। ऐसे इसमें भी एक ही प्लेनर नोड है, इधर से पी वाई है तो बच गया कौन सा, जेड और एक्स, तो जेड एक्स प्लेन में यहां पे क्या है, एक प्लेनर नोड है। सेम जेड, जेड एक्सिस में तो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी है, बच गए कौन से, एक्स और वाई, तो एक्स और वाई एक ऐसा प्लेन आप ले सकते हो जिसमें ऊपर और नीचे तो है लेकिन इस प्लेन में कोई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी नहीं है, तो ये जेड है तो एक्स वाई प्लेन है। इसका मतलब क्या हुआ, पी एक्स हैव वन प्लेनर नोड इन वाई जेड एक्सिस, पी वाई हैव वन प्लेनर नोड इन जेड एक्स एक्सिस, जेड एक्स प्लेन, एंड पी जेड हैव वन नोडल प्लेन इन एक्स वाई प्लेन, एक्स वाई प्लेन में एक नोड यहां पे आएगी। अगर हम बात करें रेडियल नोड की, तो 2p में एक भी रेडियल नोड नहीं है। अगर हम 3p की बात करें तो वो साइज में बड़ा हो जाएगा, शेप में ऐसा रहेगा, तो जैसे यहां पे ये आ गया था एक रेडियल नोड, ऐसे यहां पे एक आ जाएगा रेडियल नोड, तो 3p में एक रेडियल नोड होगी, तो रेडियल नोड यहां पे कितनी बनी, एन माइनस 2, 2p में 0 है, ये करेंगे टेबल बना के लास्ट में। तो व्हाट इज द शेप ऑफ s ऑर्बिटल, स्फेरिकल, व्हाट इज द शेप ऑफ p ऑर्बिटल, डंबल शेप, डंबल शेप, दो लोब होंगे और दोनों लोब में से एक लोब का वेव साइन पॉजिटिव होगा और एक लोब का वेव साइन नेगेटिव होगा। वेव का साइन रहेगा, फिर से मैं बता रहा हूं, दिस इज नॉट द साइन ऑफ चार्ज, चार्ज से कोई हानि नहीं है, दिस इज द साइन ऑफ वेव। देन द शेप ऑफ d ऑर्बिटल,
4D, the value of L is 2. Value of L is 2 means B subcell. D subcell. Or D subcell means, D subcell means the value of M is minus 2, minus 1, 0, plus 1, plus 2, total 5 values there. 5 possible orientation is there, means number of orbital is 5. Number of orbital is 5. 5 orbital hai yahan pe. So D subcell have 5 orbital. And in that the radial part depend on angle theta as well as phi. इसलिए P में क्या हो रहा, S में क्या हो रहा था, और S वो किसी एंगल पे डिपेंड कर ही नहीं रहा था स्फेरिकल शेप से. इसलिए P में क्या हो रहा था, थीटा एंगल पे डिपेंड कर रहा था. तो दो लोब आई थी, एक लोब का साइन पॉजिटिव था और एक का नेगेटिव था. D में दोनों पे डिपेंड करेगा. यहाँ पे चार लोब होंगे. D के कौन कौन से होते हैं पहले उनकी बात देखें. एक है डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और डी जेड स्क्वायर. पांच ऑर्बिटल है एंड दे हैव डबल डंबल शेप. चार लोब होंगे यहां पे, डबल डंबल शेप यहां पे आएगी, डबल डंबल. ठीक है, तो डी एक्स वाई, yz और zx, dx square minus y square और dz square. इनमें से तीन कैसे हैं देखिए. Say this is x axis and y axis. Electron density is maximum between the, this is dx y, dx y. Electron density 3, say this is about 3d, d 3 से शुरू होता है. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी यहां मैक्सिमम. इन केस ऑफ डी सबसेल द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस. इफ इट इज एक्स वाई, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्स वाई. इफ इट इज वाई जेड, से दिस इज जेड एंड दिस इज वाई. सेम एक जैसे है, एक्सिस अलग है. दिस इज द इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन वाई एंड एक्स, एंड दिस इज मैक्सिमम बिटवीन जेड एंड वाई. सेम D, say this is D Y Z, then D Z X, say this is Z and this is X. Then D X square minus Y square, so this is X, Y, X. Electron density is maximum on the axis D X square minus Y square, or ये आपका से इट इज जेड एक्सिस एंड ए रिंग इन एक्स वाई प्लेन. से दिस इज डी जेड स्क्वायर. दो कैटेगरी में आप इनको डिवाइड कर सकते हो. तीन तो वो है जहां इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है बिटवीन द एक्सिस, बिटवीन द एक्स वाई, बिटवीन द वाई जेड, बिटवीन द जेड एक्स, बिटवीन बिटवीन. ये तीन वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस. ऑन द एक्सिस नहीं है यहां पे. ये दो वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी मैक्सिमम है ऑन द एक्सिस. इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इज मैक्सिमम ऑन द वाई एंड एक्स, ऑन द जेड. और इन एडिशन टू ऑन द जेड देर इज ए प्लेन इन द वाई एंड जेड. P, P में क्या था, P की शेप थी आपकी डंबल से, दो लोब थे, P x x एक्सिस में है, P y y एक्सिस में और P z एक्सिस में. यहां पे चार लोब है, चार लोब है. एक और डिफरेंस देखिए, यहां पे अगर हम शेप की बात करें तो उसके हिसाब से दो तरीके के ऑर्बिटल है, दो कैटेगरी है. तीन तो वो है जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है बिटवीन द एक्सिस, उसमें तीन आते हैं. इनको बोलते हैं टी टू जी, ट्रिपली डीजनरेट. थोड़ा सा जब आप मैग्नेटिक फील्ड लगाओगे तो इन तीन की एनर्जी तो एक, वैसे तो पांचों की एनर्जी सेम है,
पांच की एनर्जी सेम है, कौन से पांच? dxy yz zx x square minus y square d z square. बट वेन वी अप्लाई द फील्ड और वेन एन इज अप्रोच टू दैट, देन तीन की एनर्जी अलग हो जाती है और दो की अलग, वो अलग तरह का मामला है. हम इसको बोलते हैं टी टू जी, ट्रिपली डी जनरेट. टी का मतलब ट्रिपली डी जनरेट, यानी ये तीनों की भी एनर्जी एक हो जाएगी और वो जो ऑन द एक्सिस है उसको बोलते हैं ईजी, ईजी डबल डी जनरेट. उन दोनों की एनर्जी इस पांच के दो कैटेगरी बन जाएंगे, तीन एक जैसे और दो एक जैसे. तीन कौन से? वहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बिटवीन द एक्सिस मैक्सिमम है, और दो कौन से? जहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ऑन द एक्सिस. नंबर ऑफ लोग के हिसाब से भी दो कैटेगरी के हैं, फोर लोग, फोर फोर एंड फोर, बट हियर टू लोग एंड वन प्लेन. पी में क्या था? जो अपोजिट लोब है उनके अपोजिट साइन थे, वेव साइन, पॉजिटिव और नेगेटिव है, इसको पॉजिटिव ले लो, उसको नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता. दिस इज ओनली द वेव. यहां पे इसका साइन पॉजिटिव है तो ये फिर नेगेटिव होगा, तो ये पॉजिटिव होगा तो ये नेगेटिव होगा, यानी अपोजिट है सेम साइन, पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव, ऐसे ये पॉजिटिव है तो ये भी पॉजिटिव होगा, ये नेगेटिव सेम, ये नेगेटिव है तो ये नेगेटिव होगा, पॉजिटिव है पॉजिटिव. तो इन केस ऑफ डी द अपोजिट लोब हैव सेम साइन, बट इन केस ऑफ पी द अपोजिट लोब हैव अपोजिट साइन, और ऐसे में कोई ऐसा चक्कर ही नहीं है. अगर हम यहां देखें दे हैव फोर लोब एंड दैट हैव टू लोब एंड वन प्लेन, इस इनकी सभी शेप है डबल डंबल, दो डंबल आपस में जुड़े हो जैसे, और ये शेप है डंबल, ये है डबल डंबल, और ये इसको बोलते हैं डगनट शेप, डू नट शेप, डगनट शेप बोल देते हैं, डू नट शेप. जैसे कोई ऐसी शेप होती है ना, जैसे कोई हैट पानी में तैर रहा हो, तो इस तरह से ये एक प्लेन है और इसके ऊपर एक वर्टिकल दिख रहा है, ऐसे पानी में डूबा हुआ है, नीचे वाला दिखाई नहीं दे रहा, डू नॉट शेप, इस तरह की शेप है. दूसरा अगर हम बात करते हैं प्लेनर नोड की, प्लेनर नोड देखिए यहां पे एक एस में कोई ऐसा हाइपोथेटिकल प्लेन नहीं था, जीरो जीरो प्लेनर नोड थी. यहां पे पी में एक प्लेनर नोड है, यहां पे देखिए आप दो प्लेनर नोड है, एक यहां चले जाइए एक्स एक्सिस में और एक ये इधर, एक वाई है, दो आपके ऐसे प्लेनर नोड आएंगे, यहां पे भी दो प्लेनर नोड आएंगे, यहां पे भी दो प्लेनर नोड आएंगे, यहां पे भी दो प्लेनर नोड आएंगे, यहां बिटवीन द एक्सिस होंगे प्लेनर नोड, क्योंकि यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है ऑन द एक्सिस, तो बीच में से बिटवीन द एक्सिस दो प्लेनर नोड आ जाएंगे, यहां पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस, तो प्लेनर नोड आएगी ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैक्सिमम बिटवीन द एक्सिस, तो प्लेनर नोड आएगी ऑन द एक्सिस, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है मैक्सिमम ऑन द एक्सिस, तो प्लेनर नोड आएगी बिटवीन द एक्सिस, और यहां पे ऐसा कोई प्लेनर नोड नहीं है, ये एक्सेप्शन है. डी में दो प्लेनर नोड होती है, चारों नोड के बीच में से दो ऐसे क्रॉस, लेकिन यहां एक्स वाई में से एक प्लेन आ गया, तो डी जेड स्क्वायर नोट हैव एनी एनी नोडल एनी प्लेनर नोड. रेडियल नोड की बात करें तो ये 3D है, इसमें कोई रेडियल नोड नहीं है. रेडियल नोड होती है दो ऑर्बिटल के बीच में, दो ऑर्बिटल के बीच में स्पेस, यहां पे प्रोबेबिलिटी फाइंडिंग नियरली जीरो. अगर हम 4D की बात करें तो ऐसा हो जाएगा, 4D में एक, तो यहां पे आ जाएगा n माइनस 3, क्योंकि 3D में जीरो है. तो दिस इज अबाउट द शेप. सेम अगर आप जाओगे एफ में तो शेप और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी. एफ ऑर्बिटल में 6 लोब होंगे, जैसे पी में 2 लोब थे, डी में 4, एफ सबसेल में, और उनके जो 7 हैं उनकी कैटेगरी भी अलग अलग बनेगी. 7ों के मैंने आपको नाम भी बताए थे एफ, क्योंकि एफ में क्या होता है, एफ में एल इज 3, देन एल इज माइनस 3 माइनस 2 माइनस 1 0 प्लस 1 प्लस 2
1 + 3 टोटल 7 वैल्यू इज देयर, 7 वैल्यू यहां पे है, यानी कि 7 ऑर्बिटल है। कौन कौन से है वो आपने ऑलरेडी किए थे, एक आपका एफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक आपका एफ वाई एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक आपका एफ जेड एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक है एफ एक्स वाई जेड, एक आपका एफ जेड जेड स्क्वायर, जेड जेड स्क्वायर मीन्स जेड क्यूब, एक आपका एफ एक्स जेड स्क्वायर और एफ एक्स, सात ऑर्बिटल हो गए। इसमें तीन और तीन छह लोग होंगे, यहां पे छह लोग होंगे, इसका जो शेप है वो और कॉम्प्लिकेटेड होगी, और इसमें जो रेडियल नोड आएंगे, जो प्लेनर नोड आएंगे वो तीन होंगे। ऐसे में प्लेनर नोड, नोड का भी एक बार हम देख लेते हैं, नोड एस की बात हम कर लें, एस हैव दिस इज शेप ऑफ से 1s एंड दिस विल बी द शेप ऑफ 1s 2s देन दिस इज शेप ऑफ 2p 2p आइदर दिस px py और pz दैट डिपेंड विच एक्सिस वी टेक देन दिस रिप्रेजेंटेशन इज इन 2D डायमेंशन। एक्चुअल में जो ऑर्बिटल होता है वो 3 डायमेंशनल होता है, लेकिन बोर्ड पे जो हम कर पा रहे हो क्या है, 2 डायमेंशनल है। तो अगर आप इसको 3D में आप देखें, किसी भी साइट पे अगर आप देखेंगे तो 3D में अपीयर देखोगे इसको तो और क्लियर आपको समझ में जाएगा। तो 3D से दिस इज बिटवीन द एक्सिस एंड बिटवीन द लाइक्स। वैसे एस में एग्जैक्ट ऐसे होता है, पी में बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसे नहीं होता, थोड़ा वेरिएशन आ जाता है, और 4D में हम सिर्फ ये नोड और उसको समझने के लिए कर रहे हैं। एग्जैक्ट जो शेप है वो D की 4D की 3D से 4D और 2D से 3P एग्जैक्ट सेम ऐसा नहीं आएगा। हम यहां पे हम कर रहे हैं नंबर ऑफ नोड और नंबर ऑफ पीक की बात कर रहे हैं। इफ वी टेक रेडियस, हियर वी टेक से 1s 2s 3s 4s, एक हम कह रहे हैं रेडियल नोड, रेडियल नोड, रेडियल नोड का मतलब हो गया, रेडियल नोड का मतलब हो गया दो ऑर्बिटल के बीच में। तो अगर हम 1s की बात करेंगे तो यहां पे कोई रेडियल नोड नहीं है, नहीं क्योंकि यहां पे तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कंटिन्यू है और फिर कम ही होती जाएगी, फिर आगे जाके बढ़ेगी नहीं। रेडियल नोड में, रेडियल नोड 1s में 0, 2s में 1 आएगी, 2s have 1 and same this have 2 and this have 3। आगे ऐसे ही करेंगे तो इसमें 3s जो करोगे तो यहां और आ जाएगा, तो एक नोड ये बन जाएगी, ऐसे बनता जाएगा। तो इन जनरल नंबर ऑफ नोड इज n minus 1 0 2 minus 1 1 3 minus 1 2 4 minus 1 3 and this is radial node, planar node, planar node, planar node यहां पे कोई भी नहीं होगी। s में spherical shape होती है, तो either it is 1s और it is 2s, कोई भी ऐसा hypothetical plane नहीं है जहां पे इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी आ जाए 0 आ जाए, तो planar node सभी में 0 0। तो total node, टोटल नोड 0, टोटल नोड 1,
टोटल नोड टू, टोटल नोड थ्री. सो टोटल नोड इज एन माइनस वन. टोटल नोड इज एन माइनस वन. रेडियल नोड और टोटल नोड एस में बराबर होंगे, प्लेनर नोड वहां पे कोई है ही नहीं. दिस इज फॉर एस ओनली. देन कम टू पी ऑर्बिटल. पी ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल में क्या होगा? पी ऑर्बिटल में रेडियल नोड है. प्लेनर नोड, टू पी, थ्री पी, फोर पी, फाइव पी. जैसे एस वन से शुरू होता है, पी टू से शुरू होता है. टू पी में आप देखिए, टू पी में अगर हम देखें कोई रेडियल नोड नहीं है, तो टू पी है जीरो, देन दिस है वन. थ्री पी में एक ये रेडियल नोड आएगी, एक. 4P में एक इसके ऊपर और आ जाएगी यहां पे, और एक ही बढ़ती जाएगी. तो क्या फॉर्मूला बना है यहां पे आपका? n माइनस टू, n माइनस टू, टू माइनस टू जीरो, थ्री माइनस टू वन, फोर माइनस टू फाइव माइनस टू. एंड प्लेनर नोड, प्लेनर नोड इज ए हाइपोथेटिकल प्लेन. एक प्लेन में हम ले लें, जैसे यहां है ये एक प्लेनर नोड हो गया. अगर ये px है तो y और z प्लेन में, जेड है तो एक्स और वाई प्लेन में. प्लेनर नोड चाहिए 2p है, चाहे 3p है, एक प्लेनर नोड आएगी, चाहे वो 4p है. तो प्लेनर नोड इज वन. तो प्लेनर नोड इज इक्वल टू एल, इक्वल टू एल. सभी में प्लेनर नोड कितनी आई? वन. टोटल नोड, टोटल नोड वन टू थ्री फोर, और दिस एन माइनस टू प्लस वन एन माइनस. तो टोटल नोड यहां भी कितनी थी? एन माइनस वन. और टोटल नोड यहां भी कितनी है? एन माइनस वन. रेडियल नोड यहां कितनी है? एन माइनस वन, लेकिन यहां एन माइनस टू. यहां प्लेनर नोड है नहीं, यहां प्लेनर नोड एक होगी. देन फॉर डी, डी ऑर्बिटल, रेडियल नोड, प्लेनर नोड से डी स्टार्ट विद 3D, 4D, 5D, 6D. 3D कोई रेडियल नोड नहीं है, यानी जो जहां से स्टार्ट होगा वहां जीरो से होगा. तो क्या फॉर्मूला बना? n माइनस थ्री, n माइनस टू था, ये बन गया n माइनस थ्री. माइनस थ्री जीरो, फोर माइनस थ्री फोर, माइनस थ्री फाइव, माइनस थ्री सिक्स, माइनस थ्री n माइनस थ्री. एंड प्लेनर नोड, हियर वी हैव टू प्लेन, प्लेन वन वन और टू, यहां पे वन. डी जेड स्क्वेयर इसका एक्सेप्शन है, वहां पे कोई प्लेनर नोड नहीं है, वो एक्सेप्शन है, ध्यान रखना है. तो टू 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 टू, तो दिस बिकम टोटल टू थ्री फोर फाइव, एंड टोटल बिकम एन माइनस वन. टोटल इज एन माइनस वन. तो टोटल सभी में बराबर है, एन माइनस वन, एन माइनस वन एंड एन माइनस वन. लेकिन जो रेडियल नोड है और प्लेनर नोड है वो अलग अलग है. इसमें भी अगर आप बात करोगे तो रेडियल, एक बार का रेडियल और एक प्लेनर. एस के लिए रेडियल नोड कितना आया? रेडियल नोड, रेडियल नोड प्लेनर नोड और टोटल एस. एस के लिए रेडियल नोड कितने? एन माइनस
प्लेनर नोड जीरो, टोटल एन माइनस वन। पी के लिए एन माइनस टू एंड वन, टोटल एन माइनस वन। डी के लिए एन माइनस थ्री टू, टोटल एन माइनस वन। एफ के लिए एन माइनस फोर, मीन्स फोर एफ में जीरो होगी, फाइव एफ में एक हो जाएगी, ये थ्री, टोटल एन माइनस वन। ये अलग अलग के लिए हो गया। और अगर हम एक जनरल फॉर्मूला बना लें सभी के लिए, तो रेडियल नोड आएंगी आपकी एन माइनस एल माइनस वन, आइदर इज एस ई डी और एफ, एन माइनस एल माइनस वन। यू नो वैल्यू ऑफ एल इज जीरो वन टू थ्री, जीरो मीन्स एस, वन मीन्स पी डी एंड एफ, एस पी डी एफ। सो इफ यू पुट द वैल्यू ऑफ जीरो एस के लिए जीरो, तो एन माइनस वन, पी वन वन, वन एंड वन टू, एन माइनस टू, थ्री फोर, फोर डी इट इज टू, टू एंड माइनस वन थ्री, एफ थ्री, थ्री और माइनस वन, ये तो टोटल नंबर ऑफ रेडियल नोड फॉर एनी ऑर्बिटल इज एन माइनस एल माइनस वन, एंड प्लेनर नोड इज एल, एल जीरो फॉर एस, वन फॉर पी, टू फॉर डी, थ्री फॉर, एंड एड दिस, अब ये दोनों एड कर दीजिए तो टोटल हो जाएगी एन माइनस एल माइनस वन प्लस, तो दिस बिकम एन माइनस। तो टोटल नंबर ऑफ नोड, रेडियल नोड, प्लेनर नोड, पहली बात ऑर्बिटल और नोड क्या है। सबसे पहले तो आपको समझना है शेप ऑफ ऑर्बिटल का क्या मतलब है, शेप एंड साइज। हम बात कर रहे हैं कि भाई जो एल की वैल्यू है और एम की वैल्यू है वो डिसाइड करती है ऑर्बिटल के नंबर और शेप ऑफ ऑर्बिटल। एस की शेप स्फेरिकल है, पी की डंबल है, डी की डबल डंबल है और एफ की ट्रिपल डंबल है। एस में एक ऑर्बिटल होता है, पी में तीन ऑर्बिटल होते हैं, डी में पांच होते हैं और एफ में सात होते हैं, उनका नाम भी आपको बताया। फिर ऑर्बिटल तो वो स्पेस हो गया वेयर द फाइनाइट प्रोबेबिलिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम, नोड वो हो गया जहां पे जीरो है, तो दो ऑर्बिटल के बीच में जीरो है वो तो हो गया रेडियल नोड। और अगर हम कोई ऐसा प्लेन पास कर रहे हैं न्यूक्लियस के थ्रू तो वो हो गया प्लेनर नोड। प्लेनर नोड कितनी होगी, रेडियल नोड कितनी होगी, वो पूरी टेबल आपके सामने है। इन सभी का जो एक्सट्रैक्ट है वो आपके सामने है। नेट रिजल्ट ये आया, रेडियल नोड इज इक्वल टू एन माइनस एल माइनस वन एंड प्लेनर नोड इज इक्वल टू एल एंड टोटल नोड इज एन माइनस वन। सो दिस इज अबाउट द शेप ऑफ ऑर्बिटल, शेप ऑफ ऑर्बिटल एंड नंबर ऑफ नोड एंड नंबर ऑफ से नंबर ऑफ रेडियल नोड, नंबर ऑफ प्लेनर नोड एंड टोटल नोड। थैंक यू।